हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे कि हमें फ़ोटो पे लाइट लेना है, प्लस हम फोटो बैकग्राउंड को हम ब्लर करने वाला है, और वो सभी चीज़ हम इस ये वीडियो में आपको मैं बताना लो। तो चलिए क्विकली वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। ब्लर कैसे करने का वो देखने वाले हैं, और प्लस हम बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करेंगे, प्लस हम लाइट्स कैसे हमारे फेस पे डाल सकते हैं और पीछे के बैकग्राउंड पे डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं फोटोशॉप ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं जस्ट क्रिएट न्यू करता हूँ, और यहाँ पे A4 उसको मैं लैंडस्केप में लेके क्रिएट करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड ओपन कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में यहाँ से ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ, ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी पहले डाउनलोड करके लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये देखिए, इसको मैं अनलॉक करता हूँ सिंपली। और यहाँ पे अनटाइटल पे यहाँ पे जाएंगे हमारे मेन पेज पे, और उसके बाद यहाँ पे उसको ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंपली उसको पूरे हम फिल करेंगे। ये हो गया। अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा, हमें फोटो चाहिए, तो फोटो के लिए मैं वापस कंट्रोल वो करूंगा। देखिए, ये वाला फोटो मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे ये फोटो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। अब उसके बाद ये फोटो को मैं ड्रैग करूंगा हमारे मेन पेज पे, यहाँ पे उसको ट्रैक कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो सिंपल, इसको हम क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इसका अभी हमारा काम नहीं है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखिए, इसको मैं कंट्रोल टी करता हूँ, और इसको पूरे पूरे पेज में, हमारे पूरे पेज में इसको सेट कर देंगे। ये हो गया पूरा सेट। अभी देखिए, मतलब ये तो हो गया हमारा। ये ऑलरेडी मैंने ये फोटो को मैंने बीजी रिमूवर की वेबसाइट से, और इसको मैंने पूरा क्रॉप करके PNG से सेव किया था, तो ये फोटो अलग से हमारे यहाँ पे आ गया। और ये वाला जो बैकग्राउंड है, अभी मैं इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, फिल्टर में जाके यहाँ पे ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर पे जाऊंगा, और थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, ब्लर कर देंगे इसको यहाँ पे। ओके, और ड्रॉ कर लेंगे ब्लरनेस। ये देखिए, आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा कैसे दिख रहा है, ये देखिए। और थोड़ा सा ओके, तो ये हो गया, ये हो गया हमें बैकग्राउंड में हमारा। दूसरा फोटो हम कैसे डालेंगे, और प्लस हम कैसे उसको ब्लर कर सकते हैं। अभी इस फोटो को मैं थोड़ा सा अभी लेवल्स थोड़ा सा ये कर लेता हूँ इसका, थोड़ा सा लाइट कर लेंगे इस फोटो को हम। अभी देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, अभी इसको हमें यहाँ पे इसके ऊपर लाइट्स चाहिए, तो लाइट्स के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं PNG का एक फाइल डाउनलोड किया हूँ, जहाँ पे हमें PNG फाइल्स मिलते हैं। अभी ये वाला जो जो ये लाइट है, तो ये वाला हम यहाँ पे PNGtree.com से हमें हर दिन एक इमेजेस हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो इमेज है, मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे मैं डाउनलोड किया था, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मैं दे देता हूँ। तो उसके लिए अभी यहाँ पे कंट्रोल वो करूंगा, कंट्रोल वो करके जहां पे मैं उसको सेव किया था उसको मैं यहाँ पे ओपन करके लेता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये PNG फाइल को सिंपली मैं ओपन करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा, और ये हो गया हमारे पूरा लाइट का साइन। तो इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। एक तो इसको मैं ऊपर के साइड में हमारे फर्स्ट लेयर पे इसको ड्रैग करूंगा, और कंट्रोल टी करता हूँ। और थोड़ा सा हल्का सा हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारा वो जो लाइट है वो ऐसे हमारे सेट पे आना चाहिए। उसके बाद ये हो गया। अब इसको सिंपली मैं इसको और एक कॉपी करूंगा, अल्ट से, अल्ट की फ्रेश करके रखूंगा, और एक मैं ऐसे ड्रैग करूंगा उसको। और ये जो लाइट है, ये हम हमारे ऐसे हम उसको पीछे के साइड में, पीछे के लास्ट वाले लेयर में ले लेंगे, थर्ड लास्ट वाले लेयर में, और उसको सिंपली यहाँ से उसको ऐसा हम उसको ड्रैग करके उसको बिग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइटिंग का। अभी हम टेक्स्ट टूल ले लेंगे। अब यहाँ से टेक्स्ट टूल, यहाँ पे हमें कुछ भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सिंपल ये लिख नवनाथ यहाँ पे टाइप करता हूँ, और ये हो गया
अभी हम इसको थोड़ा सा, अभी हम टेक्स्ट टूल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी इसको मैं क्या करूँगा, वापस इसको थोड़ा, इसका फॉन्ट थोड़ा और थोड़ा बिग कर लेता हूँ, 150 करता हूँ इसको, 150 हो गया। उसके बाद हमें अभी इसको भी थोड़ा हम स्ट्रोक दे देंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम स्ट्रोक दे देंगे। अभी ये स्ट्रोक पूरा, अभी ये पूरा स्ट्रोक क्या हो गया, ये पूरा ब्लैक आ गया, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कलर सिलेक्शन देख सकते हैं, ये कलर सिलेक्शन है। तो कलर सिलेक्शन में हम यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड को मैच करता है वो वाला हम यहाँ पे चूज करेंगे, और प्लस हम इसका थोड़ा सा साइज पूरा थोड़ा कम कर देंगे। ये हो गया, तो वापस हम थोड़ा राइट क्लिक करेंगे, वापस ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको शेडो दे सकते हैं। अभी ये शेडो हो गया, थोड़ा व्हाइट शेडो ठीक लग रहा है। अभी इसका थोड़ा सा हम इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस। ओके, तो ये हो गया पूरा वीडियो।